Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं, daily हम वही बात करते हैं. अगर आप मेरा channel देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं daily एक द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेके आता हूँ और जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है. इसमें स्पोकन इंग्लिश के लिए जितने भी वोकेबुलरी वर्ड्स आते हैं उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और लाइक भी कर दीजिए ताकि मेरे चैनल को आगे प्रमोट करने में हेल्प मिलेगी मुझे. तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए. यहाँ पर बात हो रही है व्हाट इज़ द रूलिंग अगेंस्ट द यूके रवांडा डील. तो रूलिंग क्या आई है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने, यूके के जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है अगेंस्ट दी यूके, जो यूके का जो अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का. तो इन्होंने उसके बारे में, रवांडा डील के बारे में बात की है. व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह आना. एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप, तो इनके बिल का जो नाम था माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप, रवांडा सेफ फॉर असाइलम सीकर. क्या इज रवांडा सेफ है क्या असाइलम सीकर के लिए. असाइलम जो होती है आश्रय मांगते हैं किसी जगह पे, आश्रय. तो अब बिना डिले किए चलते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ कंटेंट, और जो कि जैसे रूलिंग क्लास है, जो शासन करने वाली क्लास है, जैसे यूके गवर्नमेंट पॉलिसी है. अब क्या है द स्टोरी सो फार, अब तक क्या स्टोरी रही है. द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द यूके क्रिएटिंग ए मैकेनिज्म, तो ऐसा मैकेनिज्म एक चीज लेके आई है फॉर द ट्रांसफर ऑफ असाइलम, ट्रांसफर करने के लिए, बदला करने के लिए, मतलब जगह को ट्रांसफर करने के लिए, दूर भेजने के लिए असाइलम सीकर्स को. नॉट कंसिडर्ड बाय द यूके टू रवांडा हैज बीन रूल्ड एज द अनलॉफुल बाय द यूके सुप्रीम कोर्ट. यूके के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनलॉफुल कह दिया. आगे ये बात हो रही कि डील क्या थी, या फिर जो व्हाट डिड यूके चूज रवांडा, क्या किया था, जो व्हाई डिड मतलब क्यों चूज किया था उसने रवांडा को, व्हाई वाज इट रूल्ड अनलॉफुल, किस लिए अनलॉफुल बताया गया. तो ये सारी चीजें हैं इसमें. तो अब आगे चलते हैं, जो भी इसमें कंटेंट दिया मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है. यहाँ पे बात हो रही है कि द पॉलिसी, द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ यूके, यूके की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ऑफ क्रिएटिंग ए मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ असाइलम सीकर नॉट कंसिडर्ड बाय यूके टू रवांडा, तो उसको माना नहीं गया सुप्रीम कोर्ट ने, डिस्कार्डेड कर दिया गया. जैसे अपना भी एक जुडिशरी का बैलेंस होता है ना, एग्जीक्यूटिव क्या होता है जो काम को करते हैं, जैसे उसमें दो तरह के एग्जीक्यूटिव आते हैं, एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आते हैं, दूसरा क्या होता है जो ऑफिसर बनते हैं या सिविल सर्विस के होते हैं वो अपना, ये तो पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन बनते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, दूसरा जो होता है जो ऑफिशियल रहते हैं आईएएस वगैरह जो, ये एडमिन एग्जीक्यूटिव रहते हैं, तीसरा क्या होता है कि एक लेजिस्लेचर रहता है जो रूल बनाते हैं यहाँ पे, और जुडिशरी इनमें चेक एंड बैलेंस करती है, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द कोर्ट से का भी नहीं चले, तो इसलिए बीच का काम करती है. तो सेम यूके में भी ऐसे ही है. अब गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑफ जो यूके की है ऑफ क्रिएटिंग ए मैकेनिज्म, ऐसा उन्होंने यांत्रिक एक चीज बनाई है कि भाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ असाइलम सीकर, जो यहाँ से, मतलब एक आपने कंसेप्ट सुना होगा इंडेंचर्ड लेबर, जो 18th century में होता था इंडेंचर्ड लेबर, मतलब जो आदमी को बंधुआ मजदूर टाइप में लेके जाते थे, क्योंकि इंडिया में लगभग 1820 या 40 के बीच में जो है स्लेव जो थे, स्लेव का सिस्टम खत्म कर दिया था, स्लेव अबोलिशन हो गया था. फिर इंडेंजर्ड लेबर की जरूरत पड़ी श्रीलंका में जो कॉफी प्लांटेशन में काम करने के लिए, प्लांटेशन कोप आ गई थी उस टाइम पे, या कई आइलैंड पे भी जरूरत थी. तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा था कि हाँ हम इनको यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे. इंडेंजर्ड लेबर में क्या होता था, जानबूझकर अगर कोई काम नहीं करता था उस पे उसकी पेमेंट छीन ली जाती थी. फिर ये आज के कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की तरह नहीं था, बट इंडेंचर्ड लेबर में क्या होता था, उनकी जबरदस्ती पैसे छीन लिए जाते थे, या फिर उनको जेल में डाल दिया जाता था ड्यूटी पे ना आने पे या काम नहीं करने पे, या फिर अपना वो विड्रॉल करना चाहते थे कॉन्ट्रैक्ट से तो उनको लगभग 3 साल के लिए भेजा जाता था, बट वो मोस्टली लैंडेड अप इन टू दी जेल ओनली. तो अभी ये सिस्टम चला हुआ है कि असाइलम सीकर है सेम यहाँ से, जैसे किसी को मान लो किसी कंट्री में दंगा फसाद चल रहा है, जैसे म्यांमार में चल रहा है या कहीं और चल रहा है, तो फिर जैसे वो क्रॉस कर जाते हैं जगह को, वहां पे माइग्रेंट बन जाते हैं, वहां अपनी जगह क्रॉस करके यूके में पहुंच जाते हैं इंग्लिश चैनल के थ्रू, जो मान लो ब्रिटेन और यूके के बीच में है इंग्लिश चैनल, उसको बताते हैं यूके और फ्रांस के बीच में है जो इंग्लिश चैनल. तो अभी ये क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी उसने मना कर दिया यूके की सुप्रीम कोर्ट ने कि वो नहीं देंगे असाइलम नहीं देंगे, कंसिडर्ड बाय द यूके टू रवांडा, उसको डिस्कार्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हैज बीन रूल्ड एज अनलॉफुल कह दिया उस रूल को, जो कि मान लो उनका क्या सिस्टम था कि जो यहाँ यूके में आ रहा है उसको रवांडा में भेज दो. रवांडा क्या है, अफ्रीकन कंट्री है, और ये यूके आपका यूरोपियन यूनियन में आता है, तो ब्रेग्जिट हो चुका है इसका. हैज बीन रूल्ड एज अनलॉफुल, इसको यूके सुप्रीम कोर्ट. व्हाट इज रवांडा डील, क्या थी बैकग्राउंड, क्या है इसका.
यूके अनाउंस दैट माइग्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जो माइग्रेशन एक रूल लेकर आए थे माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप इन 2022, द ऑब्जेक्टिव जो इसका उद्देश्य था वो डील इज टू क्रिएट ए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बनाना, ऐसा एक सिस्टम बनाना फॉर द ट्रांसफर ऑफ असाइलम सीकर, जो कि आश्रय मांगते हैं, सीकर होता मांगने वाले, नॉट कंसिडर्ड बाय द यूके इन टू रवांडा, उसको जो सीकर से नॉट कंसिडर्ड बाय द यूके टू रवांडा, तो जिनको यूके नहीं रखना चाहता था उनको रवांडा डिपोर्ट कर देते थे अकॉर्डिंग टू द मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू नेशन, मतलब मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मोमोरेंडम क्या था, समझौता होता अंडरस्टैंडिंग का, दोनों की समझ एक जैसी मिल गई उस पर, वाकई बिटवीन द टू नेशन द यूके विल स्क्रीन छट नहीं करना, स्क्रीन का मतलब छट नहीं करना। तो अभी मुझे एक वर्ड और याद आ रहा है, जैसे डिपोर्ट मैंने बोला, डिपोर्ट तो होता पहुंचाना किसी को, बट अगर डिपोर्टमेंट बोलते हैं ना, डिपोर्टमेंट का मतलब होता है उसका जो बिहेवियर विद द अदर पीपल, डिपोर्टमेंट का मतलब होता है। तो ये डिफरेंस देखो इंग्लिश में, डिपोर्ट का मतलब होता है भेजना कहीं पे, डिपोर्टमेंट का मतलब होता है कि भाई किसी का बिहेवियर कैसा रहता है किसी के साथ, जैसे वो प्रिंसली राजा हो जैसा बिहेव करता है, सेम ऐसे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई आज अभी न्यूज़पेपर पे आते हैं कि कंसिडर्ड बाय यूके इनटू रवांडा, तो रवांडा में भेजने का अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू नेशन द यूके विल स्क्रीन, वो छटनी कर देगा असाइलम सीकर का एप्लीकेशन को एंड अरेंज फॉर सेफ ट्रांसपोर्ट, एक अरेंज करेगा, मैनेज करेगा सेफ ट्रांसपोर्ट टू द रवांडा, रवांडा के लिए, रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे इतनी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, ऑन अराइवल ऑफ द रिफ्यूजी, जब वहाँ पे पहुंच जाएंगे रिफ्यूजी पहुंचने पर, रवांडा इज ओब्लाइज्ड होता बाध्य होना, उन पे ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है उसका, बाध्य होना टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल, अकोमोडेशन देगा सबको, अकोमोडेशन क्या होता है रहने के लिए जगह, इंडिविजुअल एंड प्रोटेक्ट देम, उनको सुरक्षा करेगा फ्रॉम इल ट्रीटमेंट, बुरा व्यवहार से, एंड रिफॉलमेंट होता है किसी को वापस भेजना उसकी कंट्री में, नेटिव कंट्री में, रिफॉलमेंट होता है कि नेटिव कंट्री में उसको वापस भेजना, रिफॉलमेंट का भी नहीं भेजेगा। रवांडा विल द सोल अथॉरिटी टू रिकग्नाइज और नॉट रिकग्नाइज द रिफ्यूज, रवांडा विल बी, तो यहाँ पे जैसे उल्लंघन करना भी होता है, फाउल करना किसी चीज को, तो ये कह रहे हैं कि रवांडा विल बी सोल अथॉरिटी रहेगा, अकेली अथॉरिटी ओनली टू रिकग्नाइज करना, मानना किसी चीज को, वैसे कहते ना आई एम रिकग्नाइज योर सुपेरियोरिटी, मैं आपकी सुपेरियोरिटी को मानता हूँ, रिकग्नाइज करता हूँ, नॉट रिकग्नाइज द रिफ्यूजी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, तो रवांडा सोल अथॉरिटी होगी, उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रिफ्यूजी स्टेटस देने के बाद उसको कुछ बहुत सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है, ये सोल अथॉरिटी रहेगी रवांडा। इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट रिकग्नाइज, मतलब इंडिविजुअल को नहीं रिकग्नाइज किया जाता, जैसे जो रिफ्यूजी स्टेटस विल बी मूव टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, उनको उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन में भेज दिया जाएगा। एंड रवांडा ऑफर्स थ्री सॉल्यूशन फॉर दिस सेंट आउट बाय द यूके, जो सेंट आउट मतलब जो यूके के द्वारा भेजे गए आदमियों के लिए तीन ऑप्शन रहते हैं पास रवांडा के पास। नंबर वन, इट फैसिलिटेट रिटर्निंग देम टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये फैसिलिटेट सुविधा प्रदान करता है, मतलब उनको डिपोर्ट कर देता है वहां से उनके नेटिव कंट्री में। हेल्प्स इन मूविंग देम टू थर्ड कंट्री, या कोई तीसरे कंट्री जाना चाहते हैं तो उनको वहाँ पे जाने के लिए भी हेल्प करेगा, वीजा वगैरह जो भी अरेंज कराएगा। एंड थर्ड है हेल्प देम टू सेटल इन रवांडा, या तीसरा ये कि उनको सेटल डाउन कर लेगा रवांडा में, डिसेंट हाउसिंग दे देगा, अच्छी रहने के लिए जगह दे देगा, डिसेंट होता अच्छी, ऐसे एक्सेस उनका अप्रोच करा देगा, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पे हेल्थ इंश्योरेंस ले लेगा, एंड द राइट टू वर्क काम भी दे देगा, उनको सेटल डाउन कर देगा वहाँ पे। ब्रिटेन की जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, कॉलोनियल हिस्ट्री आपको पता है कि इंडिया भी एक कॉलोनी रहा, उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, जगह जगह अपना कब्जा किया था, अलायंस मतलब सिमिलर अलाइन होता, इनलाइन होता अलाइन करना विद द करंट सिनारियो, जो अभी फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है, हालात चल रहे हैं, वेर इट यूज टू मूव, जहां पे ये क्या करता है, इट यूज टू मूव पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द माइग्रेंट लेबर टू सर्टेन टेरिटरी, जैसे हम इंडेंचर्ड लेबर बोलते हैं कि श्रीलंका में गए हुए हैं, सिनहला बुद्धिस्ट है जो वो काम करने के लिए गए थे कॉफी प्लांटेशन में, ऐसे इंडेंचर्ड लेबर वाला सिस्टम है। द रूलिंग वॉज बेस्ड रिस्क ऑफ रिफॉलमेंट, जो कानून है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि भाई वॉज बेस्ड थी, किसके आधार थी, रिस्क ऑफ रिफॉलमेंट, रिफॉलमेंट का मतलब होता है किसी को द फोर्सिबल रिटर्न, जबरदस्ती रिटर्न ऑफ रिफ्यूजी और असाइलम सीकर, जहां मतलब जहां पे लड़ाई चली हुई है उसको वापस भेजना टू कंट्री वेयर वर लायबल टू सब्जेक्ट होता अधीन, लायबल होता है पॉसिबिलिटी होना, जहां पे पॉसिबिलिटी है उनकी वो सब्जेक्टेड टू मतलब वो अधीन रहेंगे प्रोसिक्यूशन के, प्रोसिक्यूशन मतलब होता है उनको हालात बुरे कर देना, उनको मार पिटाई करना या फिर उनको सजा देना, प्रोसिक्यूशन होता है सजा देना। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन का हाई कमीशन है हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजीज, क्लियरली स्टेट दैट
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये स्टेट करता है, क्या करता है, दैट वंस ए रिफ्यूजी, कोई एक रिफ्यूजी इंटर्स इन टेरिटरी वाया लैंड और सी, इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है रिस्पेक्टिव कंट्री की जिस भी कंट्री में जाता है, टू इंश्योर, पुख्ता करना, सबूत पक्का करना द सेफ्टी ऑफ रिफ्यूजी, रिफ्यूजी की सेफ्टी को इंश्योर करना। इन दिस केस यूके कैन नॉट बी रिलीव्ड, उसको राहत नहीं मिल सकती फ्रॉम दिस ड्यूटी, इस ड्यूटी से, इवन आफ्टर मतलब ऐसा होने पर भी, द ट्रांसफर ऑफ रिफ्यूजी टू रवांडा, रवांडा में ट्रांसफर करने से भी वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा नहीं छुड़ा सकता, कैन नॉट अवेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ दिस रिफ्यूजीज। दिस माइट, माइट कहाँ पे यूज होता है, जैसे मान लो बिल्कुल ही कंपॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल ना के मात्र, दिस माइट ट्रिगर, ये ट्रिगर मतलब होता है उकसा सकता है अदर यूरोपियन यूनियन नेशन टू कंसिडर, ऐसे मानने के लिए सच डिपोर्टेशन, ऐसे डिपोर्टेशन को मानने के लिए, स्कीम्स लीडिंग टू द डिक्लाइन इन ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड, जो ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड है, मान लो रवांडा में बहुत सारे आदमी हो गए, अफ्रीकन कंट्री, गरीब कंट्री में भेज देंगे, वहाँ पे आदमी ह्यूमैनिटेरियन जो अमानवता को लेकर स्टैंडर्ड है उनका बिल्कुल गिर जाएगा, एंड क्रिएटिंग रिस्क फॉर रिफ्यूजीज इन थर्ड पार्टी कंट्री, और जो थर्ड पार्टी कंट्री में जाएंगे उनके लिए रिस्क हो जाएगा कि न तो उनकी नेटिव प्लेस है वो, ना ही वो जहाँ पे जाना चाहते थे, बट वो थर्ड कंट्री में पहुंच जाएंगे जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन होंगे और उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाएंगी, पढ़ाई लिखाई या स्वास्थ्य जो भी है। आई होप आपको समझ में आएगा, इसका जिस्ट मैं बता देता हूँ, जो भी अभी जैसे 2022 में यूके ने एक डील लेके आए थे, यूके ने बात की थी कि हम ऐसे ऐसे चीज़ों पे, मतलब जो भी इंडिया में, यहाँ पे बहुत सारे इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं कंट्री से, या मान लो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, या जो जो नॉर्दर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ से आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे मैं हम मतलब डिपोर्ट कर देंगे अगर उनका कुछ ऐसा गुजारा नहीं हो रहा तो। अब बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को, कि अब वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे और ये रूल नहीं बन पाएगा, उनको डिपोर्ट नहीं कर पाएंगे रवांडे में। रवांडे में उनको फैसिलिटी दी जा रही थी या जो भी बेसिक नीड्स थी उसके पास थी, समस्या थे, एक तो भेज दो, बट इसके लिए दो तीन रूल भी हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क रिफ्यूजी राइट्स, तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का फ्रेम जो 1951 का एक रूल है, उसमें बताया भी गया है कि जो आदमी ऐसे रिफ्यूजी आएंगे उनको प्रोटेक्शन देना है, और दूसरा एक और है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी राइट्स, तो ये भी ये 1961 का है। इंडिया ने कोई सा भी साइन नहीं किया, आपके लिए ये जरूरी जानना है कि इंडिया ने कोई भी साइन नहीं किया हुआ है, बट ये है यूनाइटेड नेशन ने कुछ रिफ्यूजी को लेके, क्योंकि एक केस हुआ था 2015 में, एलन नाम का एक छोटा बच्चा था जो वो मेडिटेरियन सी क्रॉस कर रहे थे, तो उस बच्चे की एक मतलब वहां पे समुद्र में पड़े हुए की एक पिक्चर आ गई थी, उससे मतलब आदमियों के अंदर सेंटिमेंट्स इवोक हो गए थे कि हाँ वी हैव टू टेक दिस डिसीजन विद रिगार्ड टू द माइग्रेंट्स, तब ऐसे कुछ कंसेप्ट आने लगे थे, तब से ये जिदा एलन ट्रून नाम था उसका, एलन ट्रून बच्चे का, छोटे बच्चे का नाम था जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज का था, इजरायली बच्चा था। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी कंटेंट इसमें दिया हुआ है, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए कि, और आप डेली सीखते रहिए, बाय।